हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे योर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो हम पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के हमने फोर डिस्कस की थी, हम जो पेंडिंग फोर है वो आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज सो फिफ्थ वन है। फोर हमने डिस्कस की थी, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो ही डिस्कस करूंगी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब इंडिकेट करता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप मींस जो एक्शन मैंने किया है सेम उसका इफेक्ट दूसरे पे भी हो रहा है, जब दूसरा भी सेम एक्शन का इफेक्ट रिसीव कर रहा है, तो दैट इज द रेसिप्रोकल। जब हम रेसिप्रोकल क्या होता है, एक का उल्टा उल्टा होता है ना, जैसे रेसिप्रोकल मींस जैसे जैसे को तैसा, जैसे हो जाता है रेसिप्रोकल, जैसे किया वैसे ही उसका भी हुआ, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मींस आपको उसका उल्टा भी करना, जैसे 7 का उल्टा 1/7 या -7 जो भी आप बोलते हैं -7, तो इन दोनों का क्या हुआ, रेसिप्रोकल हम करेंगे तो दैट इज द 1/7, उल्टा हो गया ना 1/7, और इसका रेसिप्रोकल 1/7 का 7, तो दिस इज द रेसिप्रोकल। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं, जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं। रेसिप्रोकल इंडिकेट क्या करता है हमें, इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी हम कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फर्स्ट वन इज ईच अदर एंड वन अनदर। आपके सिर्फ यही दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जब भी ये वर्ड्स कहीं भी आएंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये आपके क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, बिकॉज यही दो जो है ईच अदर और वन अनदर, ओनली दीज टू आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं इसके एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ईच अदर, जैसे वी हेल्प्ड, जैसे मीरा एंड हनी लव ईच अदर, दे दोनों क्या करते हैं, करते थे एक दूसरे से मैरी एंड हैरी लव्ड ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, लव करते थे। तो दिस इज द सॉरी, ये दोनों एक दूसरे से लव करते थे, तो दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो आपका है ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सॉरी अब सेकेंड इसमें आता है वन अनदर, ठीक है। तो वन अनदर होता है जैसे हम ईच अदर आपका दो लोगों के बीच में आता है, वन अनदर आपका ज्यादा लोगों के लिए बीच में आता है, ठीक है। ईच अदर मीन्स जब दो लोगों की बात करें, दो में म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करें, तो तब ईच अदर, जैसे मैरी एंड हैरी, मतलब ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, तो मैं कह रही हूँ दे लव्ड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से लव करते थे। अब मैं वन एंड अदर तभी यूज करूंगी जब वो ज्यादा लोगों के लिए यूज होगा, जैसे वी हेल्प वन एंड अदर, हमने क्या की, सबकी क्या की थी, हेल्प की थी, हर एक की जो भी है एक दूसरे की, जहां पे क्या की थी,
हेल्प की थी। तो मतलब ज्यादा लोगों के बीच में हम ये बात करें, जब वी शुड हेल्प वन अनदर, हम हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो ये जो दो टाइप्स के आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ये आपको इस तरीके से यूज करनी है। ईच अदर, जब हम दो लोगों के बीच में बात करते हैं, और आपका वन अनदर जब हम दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन जिनको हम रेफर करते हैं, जो इंडिकेट करता है पर्सन को, थिंग को, किसी प्लेस को, बट वी आर नॉट अवेयर। हम किसी पर्सन को, सॉरी, किसी पर्सन को वो इंडिकेट करता है, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन। हम स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं जानते कि वो कितने पर्सन है, ओके। तो दैट इज योर इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे आपके आगे एग्जाम्पल्स आएंगी। इसमें हमें स्पेसिफिकली पता नहीं होता कितने लोगों की बात हो रही है, कितने की नहीं हो रही है। अब जब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होता कि स्पेसिफिक कितने लोगों की बात हो रही है, ठीक है। कुछ आपके ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, एनी वन, सम वन, एवरीथिंग, Everyone, anything, ये सब आपके सिंगुलर हैं, इसके बाद प्लूरल भी आ जाएंगे, less, more, all, one, either, few, some, at extra। और भी बहुत सारे ऐसे reciprocals, reciprocal pronoun है, nobody, ठीक है, somebody, आपका nobody आ सकता है, somebody आ सकता है, बहुत सारे ऐसे और भी reciprocal pronoun है जो आप सॉरी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, जैसे एनी वन, समवन। अब एनी वन में कोई भी एक, तो अब कोई भी, मैं पता नहीं चार लोगों में से एक की बात कर रही हूँ, जहाँ हजार लोगों में से एक की बात कर रही हूँ, वी आर नॉट अवेयर कि कितने लोग हैं, ठीक है। तो उसमें से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज द इनडेफिनेट प्रोनाउन। जब हम स्पेसिफिक नहीं है किसी चीज के बारे में कि वो कितने लोग हैं, कितनी चीजों की बात हो रही है, तो देन वी आर यूजिंग द इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब मैं एग्जाम्पल दूंगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, एग्जाम्पल। और इन्हीं वर्ड से आप पहचान पाएंगे कि व्हाट आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। जब भी ऐसे वर्ड्स कहीं किसी आपको सेंटेंस में मिलते हैं, पर आपको कहा जाता है कि आप प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप इन वर्ड्स को देखिए, अगर ये वर्ड कहीं भी आता है तो यू कैन आइडेंटिफाई या मार्क कर सकते हो कि दैट दिस इज द इनडेफिनेट प्रोनाउन, ओके। जैसे एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज जो है वो क्या है, पॉसिबल है। तो इसका उल्टा आप ऐसे भी बना सकते हो, नथिंग भी इसका होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में, तो नथिंग इज ऑल्सो द इनडेफिनेट प्रोनाउन। मैंने बोला ना, बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो मैं कुछ ही लिख रही हूँ, क्योंकि आप इतनी स्पेस पे मैं कुछ ही लिख पा रही हूँ। तो ये बहुत सारे वर्ड्स, अगर आप इनको भी अच्छे से रिमाइंड कर पाएंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये आ गया आगे, ऐसे लिख सकते हैं, एनी वन इज देयर फॉर हेल्प, क्या मदद के लिए कोई है यहां, एनी वन, कोई भी एक यहां है मदद के लिए, तो दिस इज ऑल्सो द इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये भी आपका क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। अब आप ऑल बता सकते, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स विल पार्टिसिपेट इन द
फंक्शन, जो सारे स्टूडेंट्स है क्लास सिक्स के, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सारे फंक्शन, हाँ, जो फंक्शन हो रहा है स्कूल में उसमें. अब ऑल द बोला हो सकता है उसमें 20 स्टूडेंट्स हो, 10 हो, 5 हो, 100 हो. तो मैंने ऑल बोला है तो वी आर नॉट अवेयर कि कितने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की बात हो रही है. तो दैट इज द इंडेफिनेट प्रनाउन. नो, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इंडेफिनेट प्रनाउन किस तरीके से हम यूज करते हैं और कौन से इंडेफिनेट प्रनाउन हैं जिनका हम प्रॉपरली यूज कर पाएंगे तभी हमें, और इनका यूज तब होता है जब हमें स्पेसिफिक हम अवेयर नहीं है किसी चीज के बारे में कि हम कितने लोगों की कितनी चीजों की बात कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज द इंडेफिनेट प्रनाउन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडेफिनेट प्रनाउन. ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव प्रनाउन. आपका रिलेटिव प्रनाउन कौन सा होता है जो हमें रिलेशन शो करता है, ठीक है, दैट शोज जिसमें आपका रिलेटिव क्लॉज बताई जाती है, जिसमें आपको रिलेटिव रिलेशन शो करता है कि एक चीज का कैसे दूसरे चीज के साथ है. अब इसमें वर्ड्स कैसे आएंगे, हु, whom, that, which, ये आपके मेन जो है, where भी आ सकता है बीच में. तो ये आपके मेन जो है, ये आपके क्या है, आपके रिलेटिव प्रनाउंस हैं जो आप यूज करते हैं कि कौन से जो रिलेटिव प्रनाउन यू आपको यूज करते हैं. कुछ बुक्स में इतने ही दिए गए हैं, जो जैसे सिक्स सेवन्थ की बुक्स होती हैं उसमें इतना ही दिए गया है. आगे और ऊपर चले जाइए, मेन टाइप, मेन जो आगे वर्ड्स हैं जो आपके रिलेटिव प्रनाउन के अंदर आते हैं और वो आपको कनेक्ट करते हैं. जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, द बॉय हु इज, who called me is my वो क्या कह रहा है, द बॉय, वो लड़का, who called me, जिसने मुझे कॉल किया था, is my brother, वो मेरा क्या है, brother है, ठीक है. अगर आप ऐसे बोल, द बॉय इज माई ब्रदर, जो बॉय है वो मेरा भाई है, तो भी सही है. अगर आप लिख रहे हो द बॉय, आप रिलेशन बता रहे हो किसके साथ, कि जिसने मुझे कॉल किया था वो मेरा क्या है, ब्रदर है. तो हियर हु वर्ड जो है दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज दिस शो द रिलेशन बिटवीन द बॉय हु इज कॉलिंग यू एंड हु इज योर ब्रदर, ठीक है. तो ये आपका रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये जो हु वर्ड है ये आपको बता रहा है ना कि हु इज कॉलिंग यू, किसने कॉल किया है, जो आपका ब्रदर है. तो दैट शोज द रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, तो ये आपका रिलेटिव प्रनाउन है. इसकी मैं और एग्जांपल दे देती हूं, वो कह रहा है द बुक दैट यू लेंट मी यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो कह रहा है बुक जो कि जो तुमने मुझे कल दी थी, उधार पे दी थी, वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो वो किस बुक की बात कर रहा है, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज आल्सो द राइट सेंटेंस, लेकिन वो किस बुक की बात कर रहा है, जो आपने, जो तुमने मुझे कल दी थी, मैं उस बुक की बात कर रही हूँ. तो हियर शोज द रिलेशन ना, कि वो वाली बुक की बात हो रही है जो आपने मुझे कल दी थी और वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो ये दैट जो हु है, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. आगे हुम का भी बना सकते हैं, जैसे हुम सब, हुम का कैसे बनाएंगे, द बॉय हुम यू मेट, द बॉय. अब हु और हुम, हु होता है जो, हुम होता है जिससे, द बॉय whom you met is my friend, जिससे, वो वाला boy जिससे तुम मिले थे वो मेरा friend है. तो that is the, whom is the relative pronoun. तो I hope you understand the relative pronouns of which आपका जो है that is used for the
थिंग्स के लिए, दैट भी थिंग्स के लिए, होम और हु जो है दैट आर यूज फॉर द पर्सन्स के लिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द रिलेटिव प्रोनाउन. देन लास्ट इज और द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. Interrogative pronouns are those pronouns with the help of which we can ask questions. जिनकी help से हम क्या कर सकते हैं, we can ask different type of questions. Okay? तो these are the those pronouns जिनकी help से हम क्या कर सकते हैं, questions ask कर सकते हैं. तो ये कौन से question words होते हैं ना, जो वो ये हैं interrogative pronouns. इसके अंदर आपका आ जाता है which, what, where, whom, why, etc. और भी बहुत सारे interrogative pronouns हैं जो आप use कर सकते हैं, लेकिन main जो है वो यही है. अब which का आप बोलो कि ये सब relative pronoun भी हैं. हाँ, these are also the relative pronouns, क्योंकि आप उनको कहीं बीच में यूज कर रहे हैं, फ्रंट में यूज नहीं करते. और ये आपका इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए है, जो आप फ्रंट में यूज किया जाता है इनको. जैसे एग्जांपल के तौर में विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है, विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है, हूज पेन is this, ये जो पेन है ये किसका है, whose pen is, whose is also the interrogative pronoun, whose pen is this, whose जो है मतलब ये जो पेन है ये किसका है, तो whose is also the interrogative pronoun. जैसे what's your name, what is your name, आपका नाम क्या है, that is also the interrogative pronoun. अब whom Did you meet? आप किससे मिले थे? Whom did you meet? आप किससे मिले थे? तो that are the interrogative pronouns. तो ये आपका interrogative pronoun है, जब हम question ask करते हैं, question put करते हैं, तो these are the interrogative pronouns. I hope you all understand the all types of the pronouns. That is the personal pronoun. आपका पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद आपका डिमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनेट, रिलेटिव एंड द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो दीज आर द एट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका सेकंड पार्ट हो गया. अब थर्ड हम उसके आगे एडजेक्टिव या वर्ब कुछ भी डिस्कस करेंगे, जो थर्ड वन होगा. तो आपके दो हो गए, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज द नाउन कंप्लीट हो गया, सेकेंड आपका प्रोनाउन यूज हो गया. अब आप देख रहे होंगे कि इनके बिना आपका सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आप कुछ तो वर्ड्स इसमें से यूज करोगे ना, इतनी सारी टाइप्स है, कहीं में से तो एक वर्ड यूज होगा. नाउन्स भी आपने इतने सारे पढ़े हैं, टाइप्स पढ़ी हैं उसकी भी 7-8, और इसकी भी 8 टाइप्स पढ़ ली, तो इसमें से कुछ वर्ड्स तो यूज होता है, तभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट होता है, तभी सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं. तो दीज आर द प्रोनाउन्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी रिलेटेड टू द प्रोनाउन आर नाउन आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, तो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो ये आपका हो गया आप आज का प्रोनाउन. तो नेक्स्ट टुमारो आई वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक. ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.